हम आज इब्राहिम रईस को बड़े ऊंचे अल्फाज में और के वो जो ईरान के वजीर खारजा थे जिस दीदा दिलेरी से जिए और दीदा दिलेरी से दुनिया से गए तो अल्लाह ताला उनको शादी का मनसब अता करे। जिस तरह से वो मुसलमान की तर्जमानी कर रहे थे मैं उम्मीद करूँगा कि बाकी लोग भी उनकी तरह देख कर कम अज़ कम ये समझने में मजबूर हो जाएंगे ये दुनिया आर्जी है और इसके लिए ज़्यादा उतने इसकी मोहब्बतों में ज़्यादा गुम ना हो जाएँ। अल्लाह हम सबको फिक्र जिक्र शुक्र की नियामतें अता फरमाए, हमें हकीकत का पता चले, हम इस दुनिया में मुसाफिर हैं और मुसाफिर की तरह रहें और आपस में भाईचारा कायम करें। और ख़ासकर आज के दौर में उलमा इकराम को मैं ये गुजारिश करूँगा वो किसी भी उस मसलक से ताल्लुक़ रखते हों उनको मैं ये गुजारिश करूँगा, दर्दमंदाना ये मेरी इल्तिजा होगी उनसे कि जो अल्लाह ने सुब्हानहू तआला की ज़ात अज़ीज़ ने ये फरमा दिया कि मालिक यौमिद्दीन मैं ही जज हूँ रोज़े महशर में ये फैसला करने का कि कौन कैसा था, कौन अच्छा था, कौन बुरा था, कौन जन्नती था, कौन जहन्नमी था, तो ये फैसला अल्लाह पे ही छोड़ दें। यहाँ पे ऐसी बातें ना करें जिससे इंतशार फैलता है, अपने अपने रास्तों पे चलें और एक दूसरे की इज्जत करें, एहतराम करें, चूँकि फसाद को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता है। नफरतें फैलाना, समाज में उनको टुकड़ों में तकसीम करना, इससे गुरेज करें। हम इस वक्त उस कुर्ब क़यामत के उस हिस्से में दाखिल हो चुके हैं जहाँ हमें ये हुक्म दिया गया था जब यह ऐसा माहौल हो तो अपने आप को बचाने की कोशिश करना, जंगलों दरों में छुप जाना तो अपने आप को बचाना। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त आलम इस्लाम में जिस किस्म के हालात हम देख रहे हैं, जो बादशाह बने हुए हैं, रूलर्स बने हुए हैं और जो हवस के पुजारी हैं, पैसे के पुजारी हैं, दौलत के पुजारी हैं, इस वक्त इंसानियत के नाम पर, इस्लाम के नाम पर एक कलंक साबित हो रही है। उस अंधेरे में मुझे एक रोशनी की किरण जो नज़र आ रही थी वो ये इब्राहिम रईसी थे जो एक मुजाहिद बनकर जिए और शहादत का मुकाम हासिल किया उन्होंने। जिस तरह से वो बेबाकी से इस्लाम की तर्जमानी कर रहे थे, जिस तरह से मजलूम बेबस बेकस मुसलमानों के साथ उनका शफकत का हाथ था, उनकी बहादुरी, उनकी दिलेरी और उनका आज का जो फिरौन है उसकी आँखों में आँखें डालकर बात करना अमेरिका, तो ये मैं समझता हूँ कि इस रोशनी की जो एक किरण थी अंधेरे में ये बुझ गई। ये तो मुझे पूरा यकीन है, पूरा उम्मीद है मुझे कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम तो तभी तभी जिंदा, इस्लाम तो हमेशा चमकता है जब जब इस पर कोई नुकसान पहुँचाया जाए। जब ये कोई समझे कि हम मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे तो इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, तो वो ये नहीं जानते कि मुसलमान जब जब तक शहादत पेश करता रहेगा इस्लाम का नाम चमकता रहेगा और इस्लाम का बोलबाला होगा। ये एक आसमानी मज़हब है, इंसानियत का मज़हब है, मोहब्बत के लिए दुनिया में आया, सबराई के लिए आया। तो इब्राहिम रईसी मरहूम मगफूर को हम अल्लाह के हुज़ूर की दुआएं करते हैं कि जिस बेबाकी से, जिस दीदा दिलेरी से, जिस हिम्मत से उन्होंने मुकाबला किया फिरौनियत का, यजीदियत का, तो वो एक काबिल फ़ख्र बात है। और हम ये कहेंगे कि अल्लाह सुब्हानहु तआला उनको बुलंदी अता करे, वहाँ पर उनके उनको उनके दर्जात को बुलंद करे। और ये बाकी हुक्मरानों के लिए जिन्होंने इस दुनिया को सब कुछ समझ लिया है, जिन्होंने इस दुनिया को ओढ़ना बिछाना समझ लिया है और ऐसे कर रहे हैं, चाहे वो जो बड़े बड़े एटमी ताकतें अपने आप को कहलाने वाले इस वक्त जो पैसे के पुजारी बने हुए हैं, जो उनके अंदर जो यजीदियत है, जो ये समझते हैं कि मौत है ही नहीं, जिनकी नज़र में ये दुनिया ही सब कुछ है, जिन्होंने दुनिया को ओढ़ना बिछाना बनाया है, जो आज जजीरे खरीद रहे हैं आवाम के खून का पैसा, जो अपने बैंकों में डाले हैं अपने बच्चों के लिए और फिरौनियत का सा माहौल बना रहे हैं, उनके लिए ये सबक है। ये दुनिया दुनिया मता उन कलील, ये दुनिया बहुत मुख्तसर है। और जब अल्लाह की पाकजात ये फरमा दे कि वमल हयात दुनिया इल्ला मता और गुरूर, ये सब धोखे का सामान है, तो इस धोखे में फंस गए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा माहौल बनाएं जिसमें मोहब्बतें हों, सुकून हो, अमन हो, चैन हो, एक दूसरे की इज्जत हो, यही हम सब के लिए बेहतर है।